हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दम बिरयानी बनाने का रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका रेसिपी। यहाँ पे हमने 1 किलो फ्रेश चिकन ले लिया है। अब इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। चिकन अच्छे से धो लेने के बाद अब इसे हम एक बाउल में ले लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 स्वाद के अनुसार लाल मिर्च थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। 2 स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच चिकन बिरयानी मसाला, 1/4 हिस्सा दही। मतलब 1 किलो का आपका चिकन है तो आपको 1/2 किलो दही डालना पड़ेगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। और ऊपर से थोड़े कटे हुए पुदीने के पत्ते, और कटा हुआ कड़ी पत्ता डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसे हम मैरिनेशन के लिए साइड में रख देंगे। जब आप बिरयानी बनाने के लिए तैयार है, उससे आधा या 1 घंटे पहले आपको चावल भिगो के रखना है। यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल ले लिया है। जितना क्वांटिटी आप चिकन ले रहे हो, उसी क्वांटिटी का आपको राइस भी लेना है। यहाँ पर मैं अभी राइस को धो के अच्छे से 1/2 घंटे के लिए भिगो के रखूँगा साइड में। 1/2 घंटा हो चुका है। अभी गैस फ्लेम ऑन करके उस पर एक बर्तन रख देंगे, पानी से भरा हुआ बर्तन। अब फ्लेम को हाई कर लेंगे। अब इस बर्तन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। दो से तीन टेबलस्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। इससे राइस का जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। यहाँ पे अब हम दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े, लौंग के 3 से 4 टुकड़े और बिरयानी के 4 से 5 पत्ते ले लेंगे और इन सारे चीज़ों को पानी में डाल देंगे। और इन्हें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन रख के गैस का फ्लेम हाई रख के इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब दूसरे फ्लेम ऑन करके उस पर हम एक कढ़ाई रख देंगे। अब इस कढ़ाई में 7 से 8 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इस तेल को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब ये फ्राई करने के लिए तैयार हो जाएगा, इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब इस प्याज को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इन्हें फ्राई करने के लिए। आप देख सकते हो अच्छे से फ्राई हो चुका है। यहाँ पे
लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है हमारे प्याज का। अब इन्हें हम निकाल लेंगे गैस से। अब गैस से हम इन्हें उतार के एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। प्याज का जो फ्राई किया हुआ तेल है उसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए अभी से हम साइड में रख देंगे। चलिए अब देख लेते हैं पानी गर्म हुआ है या नहीं। पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम भीगे हुए चावल को डाल देंगे। अब फ्लेम को हाई में रख के चावल को पकने के लिए रख देंगे। चावल को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, कम से कम 70% चावल को पकने देना है। चावल पकने के बाद आप फ्लेम को लो कर लेना है। और इस चावल को छन्नी से निकाल के एक प्लेट में ले लेना है। अब चावल को हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम बड़ा सा बिरयानी का बर्तन ले लेंगे। अब इस बर्तन में 2 चम्मच घी डाल देंगे। इस घी को अच्छे से बर्तन में फैला देंगे। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। इस चिकन को अच्छे से फैला लेना है। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ प्याज का जो तेल है उसे डाल देंगे। अब इसमें हम फ्राइड ओनियंस, फ्राई किया हुआ प्याज को फैला लेंगे। इसके ऊपर थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल देंगे और धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। अब इस चिकन के ऊपर हम राइस डाल देंगे। 70% जो बॉईल किया हुआ राइस था उसे हम डाल देंगे। इसे खुला खुला ही डालना है आपको। थोड़ा सा राइस डालने के बाद आप इस पे अब ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे काजू का इस्तेमाल किया है। अब इसके बाद फिर से हम इसके ऊपर राइस डाल देंगे। थोड़ा सा राइस ऐड करने के बाद फिर से हम फ्राई किए हुए ओनियंस डाल देंगे और थोड़े से धनिया का पत्ता और पुदीने का पत्ता फिर से ऐड कर देंगे। इसके बाद फिर से हम राइस को ऐड कर देंगे। जो बचा हुआ राइस था पूरा का पूरा अभी ऐड करना है।
इसके बाद हमें फिर से फ्राई किया हुआ ऑनियंस ऊपर फिर से फैला लेना है। और जो बचा हुआ धनिया था और बचा हुआ पुदीने का पत्ता ऊपर से सजा लेंगे। इसके बाद चावल को कलर देने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़े से पानी में हल्दी मिला के यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपके पास केसर है तो आप केसर का पानी भी इसमें डाल सकते हो। ये दम बिरयानी है इसलिए अब हमें बर्तन को दम के लिए तैयार करना है। आटे को मैंने बर्तन पे अच्छे से सजा दिया है ताकि इसमें का जो गैस है वो बाहर ना निकले। अब ढक्कन से इसे हम अच्छे से ढक देंगे। अब गैस फ्लेम ऑन कर लेना है और इस बर्तन को हमें फ्लेम पे रख देना है। पांच मिनट हाई फ्लेम पे हमें इसे पका देंगे। अब इस बिरयानी के ऊपर हम कोई भारी चीज रख देंगे ताकि इसका जो गैस है वो अंदर ही दबा रहे। अब हम फ्लेम को लो करके 40 से 50 मिनट इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। 40 से 50 मिनट होने के बाद आप फ्लेम बंद कर सकते हो। फ्लेम बंद करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट रुकना है। हमारा बिरयानी जो है वो पक के तैयार हो गया है। चलिए अब एक बार इसे देख लेते हैं। आप देख सकते हो बिरयानी जो है हमारा तैयार है। अब राइस को थोड़ा सा साइड में करके देख लेते हैं चिकन जो है अच्छे से पका है या नहीं। आप देख सकते हो राइस अच्छे से कुक हो चुका है और चिकन भी जो है वो अच्छे से पक चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।